राशिद, राशिद अब खालों ने तो सारे खिलौने छीन लूंगी। आकर राशिद थप्पड़ पड़ेगा जोर से। अब क्या हुआ फरजाना, स्कूल से जान से थप्पड़ की बात कर रही हो? तो आप ही खिला लीजिए ना इसे, प्यार से लीजिए। अरे क्या हो गया, इतनी छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा बखेड़ा बना रही हो तुम। छोटी बातें, घर का सारा काम ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है, अब तक आपका खाना तक नहीं बनाया मैंने। तो बाहर से खा लूंगा, कुछ मंगवा लूंगा, तुम दिमाग खाना बंद करो। क्यों ना खाओ दिमाग, एक छोटा सा काम कहा था आपसे कि उसको असर की जगह किसी और को ले आइए काम करने के लिए, क्या किया आपने? कुछ नहीं। अरे तो कोई आसमान से थोड़ी टपकेगी तुम्हारे लिए, कोशिश कर रहा हूँ ना। नहीं कर रहे हो। अरे बशीर क्यों फोन कर रहा है अभी? हाँ बशीर बोलो। अशफाक भाई कौसर कहाँ है, बात करो आप उससे। मेरी दिमाग सठिया गया क्या बशीर? मुझे इस तरह के भद्दे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मजाक? मैं परेशान हूँ, कौसर कहाँ है? आप ही ने तो कहा था कि खुद उसे यहाँ लेकर रियाजपुर आने वाले हैं। अबे भांग वांग तो नहीं पी रखी है तूने? 3 जून को मैंने कौसर को यहाँ से बस में बैठाया था। और ईद के एक दिन पहले वो रियाजपुर पहुंच गई थी। अब आप मजाक कर रहे हैं अशफाक भाई, कौसर यहाँ पहुंची ही नहीं है, आप तो खुद उसे यहाँ लेकर आने वाले थे, फिर उसे अकेले बस में कैसे बैठा दिया आपने? देख बशीर, ये चलाकी किसी और के साथ करना समझा? तूने खुद मुझे बोला था कि कौसर की टिकट कटा के उसे बस में बैठा दूं, और तू रियाजपुर के बस स्टॉप पर उसे उतार लेगा। चलाकी आप कर रहे हो, खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हो। कहाँ है कौसर? कौसर अंसारी, उम्र 12 साल 2 महीने, घर काम करने वाली बाल मजदूर। कहां थी ये लड़की? कौसर 4 जून को रमजान के बाद जोधपुर से रियाजपुर पहुंचने वाली थी अपने घर वालों के साथ ईद मनाने के लिए, पर वो अपने घर पहुंची ही नहीं। कौसर अंसारी की कहानी दिल को झकझोर देने वाली दास्तां है, एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा जो देश के कई हिस्सों में कई लड़कियों के साथ आए दिन होता आया है और इस वक्त भी हो रहा है। यास्मीन, मैं जोधपुर निकल रहा हूँ। लेकिन क्यों? अशफाक भाई ने कहा था कि वो खुद ही कौसर को छोड़ जाएंगे। वो नहीं आ सकते, कुछ काम निकल आया है उनका, मुझे ही जाना पड़ेगा। सुनो, कुछ पैसे हैं क्या? देखती हूँ, 300 है। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ कौसर ठीक तो है ना? ईद पर भी नहीं आई, अशफाक भाई ने तो कहा था कि ईद पर उसे भेज देंगे। यास्मीन मैं अभी निकलता हूँ, वहाँ पहुँच कर फोन करूंगा। बस अब यही बाकी रह गया, वो बशीर आकर यहाँ अपना रोना देगा। अरे जो कर रहा है करने दो साले, एक नंबर का लालची इंसान। अगर ज्यादा नौटंकी करी ना उसने, सीधा पुलिस में दूंगा उसे। चलो मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है, शाम को मिलता हूँ। सलाम वालेकुम अंजुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। लतीफ भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो राजकोट गए काम से। सब खैरियत है ना? अब परेशान लग रहे हैं। अब क्या बताऊं, वो अशफाक भाई कह रहे हैं कि उन्होंने कौसर को 3 जून को ही गाड़ी में बिठा दिया था। वो घर नहीं पहुंची अभी तक, ऐसे कैसे बच्चे को अकेले भेज दिया? वही तो लतीफ भाई से बात करनी है, ये अशफाक मियां के आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अशफाक भाई, इससे पहले बशीर यहाँ धमक जाए, हम पुलिस को पहले ही बता देते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्या डरता हूँ उससे। आने दो, उसे साथ लेकर थाने चलते हैं, उसके बाद आमने सामने बैठकर सारा मैटर ही क्लियर कर देंगे। झूठ बोल रही है साहब, हमारी कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कौसर को अकेले भेज दो। इन्होंने खुद से कहा था कि कौसर को लेकर हमारे घर रियाजपुर छोड़ देंगे। एक मिनट,
चिल्ला क्यों रहे? तो क्या करूं साहब, सिर्फ 12 साल की बच्ची है मेरी। पहले मुझे एक बात समझाओ बशीर, कौसर को वहां रियासपुर गुजरात से यहाँ जोधपुर इनके यहाँ काम करने तुमने भेजा था? हाँ साहब, 8 महीने पहले भेजा था। क्या करूं साहब, गरीबी है, मजबूरी, महीने के आखिरी में बच्चों को पानी पिलाकर सुला रहा था, तो मैंने सोचा कि कम से कम कौसर को तो भरपेट खाना मिलेगा, साथ में पैसे भी। इनके साथ कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? हमारे मोहल्ले में कॉन्ट्रैक्टर है लतीफ भाई, मैं और मेरी बीबी यास्मीन दिहाड़ी मजदूर हैं साहब, खेतों में काम करते हैं। मेरी बेटी कौसर और छोटा बेटा फरीद रियाजपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। लतीफ भाई खुद सामने से आए थे ये कहकर कि कौसर के लिए काम है। अरे बशीर जी। लतीफ भाई, ऐसा है, जोधपुर की ना एक पार्टी है, 3 साल का उनका बच्चा है, उस बच्चे की देखभाल के लिए उन्हें कोई चाहिए, तुम्हारी कौसर जैसी, क्या बोलते हो? लेकिन लतीफ भाई, कौसर तो खुद अभी बच्ची है। बशीर, शरीफ लोग हैं, यूं ही मुलाकात हुई तो जिक्र निकला, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, आराम रहेगा। महीने के 15,000 तक देने को तैयार हैं। 15,000? हाँ 15,000, 2 ईद की छुट्टियाँ और बोनस वोनस अलग से। लेकिन लतीफ भाई, कौसर की अम्मी यास्मीन कभी नहीं मानेगी। बशीर, जिंदगी में ऐसे मौके सभी को नहीं मिलते हैं, और फिर देख यहाँ है क्या, कुछ भी नहीं है। कम से कम तो उस आमदनी से अपने बच्चे फरीद को और अच्छे ढंग से पढ़ा पाएगा, है ना? तुम दोनों अच्छे से खा पी पाओगे, सुकून की जिंदगी गुजारोगे। देख ले, 15,000 रुपये कम नहीं होते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ना, मैं नहीं जाने दूंगी कौसर। अरे वो भी जोधपुर, इतनी दूर, बच्ची है अभी वो। अरे वो सब ठीक है, लेकिन कौसर उतनी छोटी भी नहीं है, 12 साल की है। अच्छा एक बात बता, जब फरीद 3 साल का था और हम दोनों बाहर काम करने जाते थे तो उसे कौन संभालता था? कौसर ही ना। वो बात अलग है, मैं कौसर को नहीं भेजूंगी। सोच यास्मीन, 15,000 मिलेंगे, इस पैसे से हम क्या कर सकते हैं? फरीद को आगे भी पढ़ा सकते हैं। अच्छा एक बात बता, हम दोनों मिलकर कितना कमा लेते हैं? और कौसर का क्या? हाँ वो अभी से काम करेगी, उसकी पढ़ाई का क्या? अरे नहीं, वो लतीफ भाई ने कहा है, वो जो अशफाक भाई है ना, वो कौसर को रात के स्कूल में दाखिला करवा देंगे, और सुन पढ़ाई का सारा खर्चा भी वही उठाएंगे। मेरा दिल नहीं मान रहा। देखो यास्मीन, कौसर को तो अपनी जिंदगी संभालनी ही है, तो अभी से क्यों नहीं? और वैसे हम लोग भी जो जिंदगी जी रहे हैं उसे जिंदगी थोड़े ना कहते हैं। देखो अल्लाह ने एक मौका दिया है, हम जज्बाती होकर उसे गवा नहीं सकते। मान जाओ यास्मीन, मान जाओ। अबू मैं नहीं जाऊंगी, आप आ जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। तू चुप कर फरीद, एक उनका 3 साल का बेटा है राशिद, वो भी फरीद जैसा ही है। पर फरीद तो नहीं है ना अबू। वहाँ अच्छे से रहेगी, इससे सबका अच्छा होगा। मुझे दूर भेजकर आपको अच्छा लगेगा? अच्छा इस बात का लगेगा कि जो हम दोनों तुझे कभी नहीं दे सकेंगे वो तुझे वहां मिलेगा, और तुम्हें भी अच्छा लगना चाहिए कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे अम्मी अब्बू और छोटे भाई फरीद की जिंदगी बेहतर होगी। देख अब तू बच्ची नहीं रही, घर की तरफ तेरी जिम्मेदारी है, अगर तू सचमुच हमसे प्यार करती है ना तो कभी ना नहीं बोलेगी। ना कहना आपा, कहोगी ना ना, वो लोग सिर्फ तुमसे काम करवाएंगे, तुम्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगेगा, रोना आएगा, तुम्हें हमेशा हमारी याद आएगी और हमें तुम्हारी। मत जाना, मैं कह दे रहा हूँ। चलो बच्ची तो ना समझ है, लेकिन तुम्हें बेअक्ल होने की जरूरत नहीं है, वो तो लतीफ भाई हम लोगों के हमदर्द हैं, इसलिए एक दिन का समय और दिया है मुझे, अब हम और देर नहीं कर सकते हैं, समझी? अरे मेरी बात सुन रही हो कि नहीं? सुन रही, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। दिल होता ही है पत्थर रखने के लिए, तुम मना कर रही हो इसलिए बच्ची भी नानुकूर कर रही है।
समझाओ उसे कि महीने के 15,000 क्या होते हैं। किसी भी तरह मनाओ उसे, अगर हम लोगों ने यह मौका छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अब्बू, 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 आपा को मत लेके जाओ। देखो फरीद, जाते वक्त तमाशा ना करो। आपा, मत जाओ। फरीद, घर जाओ। एक बात बताऊं को सर, अभी ऐसा मुंह लटकाए हुआ है ना, तू देखती जा, जब तू ईद की छुट्टी पर घर वापस आएगी तो 2 ही दिन में अपने अब्बू से बोलेगी मुझे जोधपुर वापस जाना है। अरे वही तो कब से समझा रहा हूँ लतीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम फरजाना बहन। वालेकुम अस्सलाम लतीफ भाई, अब आइए ना, अंदर आइए। ये लो बशीर भाई, एडवांस है 2 महीने की तनख्वाह। क्या कहा था मैंने बशीर, शरीफ और दिलदार लोग हैं। राशिद, ये ना कौसर आपा है, इन्हें हेलो बोलो। देखो ये ना तुम्हारे साथ बहुत सारा खेलने आई है, इन्हें हेलो बोलो। कौसर, इसे अपने पास तो बुलाओ, वरना ये पास कैसे आएगा तुम्हारे। राशिद, क्या वो कौसर 5वीं में है? हाँ, बताया था लतीफ भाई ने। वो लतीफ भाई ने कहा था कि आप बच्ची को यहाँ स्कूल में डाल देंगे। हाँ बिल्कुल डालेंगे स्कूल में, आपकी बच्ची को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बशीर, अशफाक भाई कौसर को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह रखेंगे, राशिद की देखभाल तो महज एक बहाना है, समझ लो। एहसान मंद हूँ आपका अशफाक भाई। एक गरीब आदमी की बच्ची सिर्फ 12 साल की, एक अमीर आदमी के घर में उसके छोटे बेटे की देखभाल के लिए काम पर रखी जाती है, यह हमारे देश के शहरों में आम है। आर्थिक कठिनाइयां न जाने कितने ही बच्चों को वक्त से पहले बड़ा होने पर मजबूर कर देती हैं। अशफाक और फरजाना करीमी के घर काम शुरू करने के बाद कौसर एक बार भी अपने घर नहीं गई थी, और अब 9 जून 2019 है, कौसर गायब है। कहां है कौसर? इन्होंने अपने घर में छुपा के रखा उसे, कोई बस में नहीं चढ़ाया। जब से कौसर गई है इनके घर, एक बार भी नहीं भेजा मेरी बच्ची को। हाँ सर, इसकी बेटी कौसर मेरे यहाँ काम करती, बहुत खुश थी हमारे साथ, ये लोग भी बहुत खुश थे। पहले दिन ही इसे 2 महीने की पगार एडवांस में दे दी थी सर, सब कुछ सही चल रहा था, फिर पिछले हफ्ते इसका फोन आता है मेरे पास। ईद का चांद 2 दिन दूर है अशफाक भाई, आप लोगों ने तो कहा था कि ईद की छुट्टी मिलेगी हमारी कौसर को। हाँ बशीर मियां, मिल जाएगी छुट्टी,
ये बताओ कब आ रहे हो लेने कौसर को? अरे मैं कैसे आऊँ अशफाक भाई, वैसे भी ईद के कारण दो दिन की दिहाड़ी गंवानी पड़ेगी। देखो बशीर, इस समय हमारा भी काम काफ़ी टाइट चल रहा है, तो एक काम करो, इस बारी कौसर को ईद यही मनाने दो। ईद खत्म होने के बाद मैं उसे खुद आके गाँव छोड़ जाऊँगा। नहीं 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 नहीं, ईद तो हमारे साथ मनाएगी, वैसे भी कई महीने हो गए उसे देखे हुए। तो बशीर मियाँ तुम ही बताओ फिर कैसे किया जाए। एक काम करो अशफाक भाई, आप कौसर को जोधपुर से रात वाली बस में बिठा दो, सुबह तक वो रियाजपुर पहुंच जाएगी और मैं बस स्टैंड पर उसे लेने आ जाऊंगा। सर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एक 12 साल की बच्ची को अकेले बस में बैठा, पर कोई चारा नहीं था मेरे पास। कब भेजा? 3 जून की रात। जीजा जी के साथ मैं भी गया था। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ, जाएगा जाएगा। ये करीब सामने बैठिए आप। आइए। कौसर के हाथों मैंने बतौर ईदी खाने की चीजें और काफी सारे तोहफे भी भेजे थे उसके और उसके भाई फरीद के लिए। जब तक बस चल नहीं पड़ी मैं और कासिम वहां से हिले तक नहीं। ये देखिए सर, टिकट की कॉपी भी लाया हूं। ये फर्जी है साहब। हाँ ये फर्जी है, हम दोनों झूठ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, सिर्फ एक तुम राजा हरिश्चंद्र हो। सर अगली सुबह 4 जून को सुबह चाय पीने से पहले मैंने से फोन किया। अस्सलाम वालेकुम अशफाक भाई। कौसर पहुंच गई ना ठीक ठाक? जी अभी अभी घर पहुंची है, बहुत खुश लग रही है बच्ची। आपने इतने सारे तोहफे भेजे, शुक्रिया अशफाक भाई। अरे शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है बशीर, कौसर हमारी भी बच्ची है। एक काम करो, उसे एक हफ्ता फरीद के साथ रहने दो, उसके बाद या तो तुम उसे यहाँ ले आना या मैं खुद आ जाऊँगा लेने के लिए। सर एक हफ्ते के बाद कौसर को यहाँ जोधपुर वापस लौटना था, पर देखिए हुआ क्या। 4 जून को ये आदमी ने मुझे कहा था कि कौसर सही सलामत इसके घर पहुंच गई है, तोहफों के लिए भी शुक्रिया कहा था, और उसके बाद 8 तारीख को फोन करता है और एक नया ड्रामा शुरू करता है कि कौसर कहाँ है। सर कौसर को बस में बैठाने के बाद अशफाक जीजा जी पूरे रास्ते भर परेशान थे कि कौसर सही सलामत अपने घर पहुंच जाए बस। ये अमीर है तो ये सोचते हैं कि ये जो बोलेंगे आप सच मानेंगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है बशीर, और अगर इन लोगों को भी लगता है ऐसा तो इन लोगों की भी। तो फिर मेरी बात का भरोसा कीजिए साहब, मेरी बेटी गायब हुई है, पिछले 1 महीने से हर दूसरे दिन फोन कर रहा था इनको। देखिए अशफाक भाई ये बड़ी ज्यादती है, हम चाहते हैं कि कौसर घर आए, वो भी चाहती है कि हमारे पास आए, लेकिन आप लोग उसे छुट्टी नहीं दे रहे। अरे रमजान और ईद के समय इतने काम होते हैं यहाँ पर, कैसे दे दे उसे छुट्टी, अब ईद के बाद ही कुछ हो सकता है। और अशफाक इसके अब्बू को बता दो काम करने के लाए इसे, जो ये ठीक से कर नहीं रही है। मेरी शक्ल क्या देख रही हो, कौसर उसे खाना खिलाओ। क्या हो गया है तुम्हें राशिद, चुपचाप खाना खाओ, खाना खिलाओ उसे। मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, फिर मैंने 2 जून को फोन किया तो एकदम से मेरे ऊपर ही गरज पड़े। मैंने बोला ही नहीं कि कौसर को अकेले भेज दो। ये क्या कर रहे हैं आप ही ने तो कहा था कि 1 जून को लेकर उसे खुद रियाजपुर आ रहे हैं, आज 2 जून हो गई, कहाँ है मेरी कौसर? तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं तेरी बेटी को चबा कर निकल गया हूँ। ऐसी भद्दी बातें ना करें आप, मैं कल अपनी बेटी को लेने जोधपुर आ रहा हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आज रात को रियाजपुर के लिए रवाना हो रहा हूँ, कल सुबह कौसर तेरे घर पे होगी, और उसके बाद कौसर कभी भी हमारे घर में कदम नहीं रखेगी। लेने के देने पड़ गए हैं। 2 तारीख गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जून तक रोज मैं दिन में 2-4 बार फोन करता रहा ही नहीं कि कब लेके आ रहे हैं कौसर को घर, पर ये हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना देते। सर एक 12 साल की लड़की को अपने पास रखकर मैं क्या करता, मैं और फरजाना कौसर को बेटी जैसा प्यार करते थे, मगर इस झूठे मक्कार की बातें सुन के अब मुझे उसके लिए डर लगने लगा है। देखो बशीर ये टिकट असली है। होगा साहब, पर ये लोग नकली हैं। जब मैंने अपनी बच्ची को इनके हवाले किया था तो खुद आया था इनके दरवाजे तक छोड़ने, तो इन्हें भी ऐसा करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, बैठा दिया बच्ची को बस में रात में। अरे कौन बैठाता है ऐसे, एक तो 12 साल की ऊपर से बच्ची। सर एक बात तो तय है, 3 जून के पहले के बशीर और 4 जून के बाद के बशीर में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको बता रहा हूं 4 जून को कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। गड़बड़ तो शुरुआत से तुम थे, बस मैं नहीं समझ पाया। ये कहते हैं कि 4 जून की सुबह चाय के पहले मुझे फोन किया था कि कौसर घर पहुंची या नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं था साहब। अशफाक भाई हद है, मैं यहाँ सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, कौसर की अम्मी और भाई देखने को तरस गए उसको, और एक आप है जो उसको लेकर आ ही नहीं रहे यहाँ। सर इसका एक और शब्द मत सुनिए,
अपनी बेटी के नाम पर गेम खेल रहा है ये। साहब अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि इन्होंने मेरी बेटी के साथ कुछ कर दिया है। फरजाना, फरजाना जी, ये कौसर अपना सामान कहाँ रखती थी? जी यहाँ। देखिए कुछ नहीं है वहां, दो जोड़ी कपड़े में आई थी वो लड़की और जाते वक्त सारा बैग कपड़ों से भरकर लेकर गई है। सारे कपड़े मैंने खरीद के दिए थे उसे, पैकिंग में भी मैंने हेल्प की थी। सर बाकी के कमरों में भी कुछ नहीं मिला। तो फिर मेरी बच्ची कहाँ है? अरे हमें क्या पता, तुमने ही कुछ किया होगा उसके साथ। सगा बाप हूँ, भूलिए मत। तो परेश ने ये कैसे कह दिया? क्या 4 जून को कौसर ठीक ठाक रियासपुर पहुंच गई थी? साहब मैंने कहा ही नहीं था। तुम दोनों में से कोई तो एक झूठ बोल, लेकिन फिक्र मत करो, सच तो हम बाहर निकाल ही लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी सबसे पहले उस बच्ची को तलाशना जरूरी है जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है। मेरी बच्ची? हाँ तुम्हारी बच्ची, जिसे तुमने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाना चाहा। और आपके बच्चे की आया जो खुद एक बच्ची थी। एक बात याद रखो आप दोनों, हम इस मामले की तह तक जाएंगे और सच का पता लगा के रहेंगे, लेकिन सबसे पहले कौसर को ढूंढना जरूरी है। सच्चा कौन था और झूठा कौन था, इसका खुलासा बहुत जल्द होने जा रहा था। और सच सामने होने के बावजूद सवाल यही था कि कौसर कहां थी। क्या 3 जून की रात को अकेले बस में बैठने के बाद कौसर ने घर जाने का इरादा बदल दिया था, या क्या वो वाकई अपने घर पहुंची थी? इस केस की सच्चाई, कौसर की सच्चाई, कौसर की मानसिक हालत से जुड़ी थी जो कि अशफाक करीमी के घर में रहते हुए पैदा हुई थी। पर इस वक्त कौसर कहां थी? कौसर से बात कराइए मेरी। हाँ हाँ करवाता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी यहाँ कुछ चल रहा है। कुछ चल रहा है मतलब? सब ठीक तो है ना? कौसर है ना वहीं? आप मेरी उससे बात क्यों नहीं करवाते? सुनो अभी फोन रखता हूँ, बाद में करूंगा। कितना दूर है उसका घर? बस आने ही वाला होगा। लीजिए आ गया सूर्या। नमस्ते साहब। सूर्या, 3 जून को अहमदाबाद जाने वाली बस में तू कंडक्टर था? हाँ साहब, क्या हुआ? उस बस का जो ड्राइवर था वो कपिल है, अभी ड्यूटी पर है, जैसे ही आएगा मैं आपके पास भिजवा दूंगा उसे। अभी से ले जाता हूँ, चल सूर्या। हाँ साहब, चलो। अशोक भाई, रियासपुर से लतीफ भाई आए। चलो शुक्र है, अब यही सच बता देंगे पुलिस को। क्या बवाल खड़ा करके गई है ये लड़की? मैं तो कहती हूँ। देखो फरजाना, तुम भड़कोगी नहीं, अब शांत रहोगी। वैसे मैं काफी परेशान हूँ, इस समय नहीं। लतीफ भाई। क्या लती भाई, आप तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। खुद आ गया हूँ ना। वो कौसर के बारे में सुना आपने? क्या हुआ? वो अशफाक भाई, क्या सोचा था क्या निकले, इतना बड़ा झूठा आदमी देखा नहीं मैंने। कौसर घर पहुंची ही नहीं और वो क्या क्या कहानियां बना रहे हैं। ऐसा कैसे बशीर, कौसर तो 4 तारीख को पहुंच गई थी ना। अशफाक भाई बोल रहे थे कि आप मेरी बात मानोगे या उस झूठे की। बेटा तेरे अब्बू से ठीक से बात नहीं हो पाई। मैं पूछ रहा था आपा से बात हुई? मैं भी तो वही कह रही हूँ कि नहीं हुई। वो
वो ईद पर भी घर नहीं आए। अबू ने कहा था उसे लेकर आएंगे घर। कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ चल क्या रहा? बताओ तो सही, कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? अरे बैठ जा, चुपचाप बैठ, समझे? मेरी बेटी कहाँ? तुम्हारे साहब ने कहा था उसे ढूंढ निकालेंगे। तेरी बेटी का पता अगर कोई बता सकता है ना, वो तू है बशीर अंसारी, समझा? बैठ। देख बशीर, बात को घुमा मत। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना, दो मिनट में सीधा कर दूंगा। शांति से बता दो कहाँ है कौशल। ये कैसा गंदा मजाक है साहब? क्या किया तुम लोगों ने कौशल के साथ? कौशल अप्पा को अब्बू लेने गया है, अप्पा जोधपुर में है ना। वो जोधपुर से यहाँ रियाजपुर आई थी 4 जून की सुबह। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ये भोली बनने का नाटक किसी और के सामने करना, पता कौशल कहाँ है? ये डरे हुए होने का नाटक हम पर कोई असर नहीं करता, उल्टा और गुस्सा बढ़ाता। समझ गया, अशफाक भाई ने सबको लपेट में ले लिया, सब बिक चुके। सबको झूठा बोलता है, तेरा झूठ पकड़ा गया। हाँ ये थी बस में, कौशल नाम है इसका। अच्छा, नाम भी याद रखता है? अरे नहीं साहब, वो अकेली सफर करी थी ना बस में, और इसे जो बिठाने आया था, बड़ी फिक्र थी उसे, बार बार मुझसे कह रहा था कि कौशल का ख्याल रखो। हाँ यही थे दोनों थे? हाँ, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ी फिक्र थी इसे। रियाजपुर बस स्टैंड में उतार दीजिएगा। हाँ फिक्र मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगा बच्ची। और हाँ ये लो, रास्ते में कुछ खा लो, किसी अच्छी जगह रुकिए। हाँ बेफिक्र, हम अच्छी जगह ही गाड़ी रोकते हैं, मैं अच्छी तरह से बच्ची को रियाजपुर में उतार दूँ। चले बेटा। रास्ते में नाश्ता करवाया, नजर थी मेरी बच्ची पर, और फिर रियाजपुर बस स्टॉप में इसका बाप लेने आया था। सर बाय, एडवांस में मुबारक। हाँ कपिल, बड़ा गाड़ी। ड्राइवर कपिल से भी पूछ लीजिए, वो भी यही बताएगा। वैसे हुआ क्या है साहब? हाँ कौशल नाम है, अपने कंडक्टर सूर्या और मैंने इसे रियाजपुर में उतार दिया था, बाप आया था लेने। कुछ हो गया क्या सर बच्ची को? अच्छा, वो बस कंडक्टर और ड्राइवर भी झूठ बोल रहे? सब भी क्यों। अच्छा, और वो तेरा लतीफ भाई? क्या क्या बोला लतीफ भाई? साहब सारे जोधपुर में मैंने कई सारी बच्चों को काम पर लगाया, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैंने तुमसे तुम्हारा बायोडाटा नहीं पूछा लतीफ अब्बासी, मैंने सिर्फ इतना पूछा है बशीर और अशफाक के बीच झूठ कौन बोल रहा है। साहब मैं वही बताऊंगा जितना मालूम है मुझे। जल्दी बोल। 3 जून को फोन आया था मुझे अशफाक भाई का। देख लतीफ, इस बशीर को मैं तेरे जरिए मिला था इसलिए तुझे बता रहा हूँ, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। कौशर को रियाजपुर अकेले भेजने के लिए इसने मुझे मजबूर किया है, अभी भी बस में बैठा कर आ रहा हूँ उसे, और इसने मुझसे वादा किया कि रियाजपुर बस स्टैंड पर उसे उतार लेंगे। एक मेरा मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन मैं क्या करता, बाप तो वो है ना, उसकी मर्जी। मैं 4 तारीख की सुबह ही काम से निकल गया था अपने गाँव से, मैंने खुद जाकर नहीं देखा बच्ची पहुंची या नहीं। अगर अशफाक भाई बोल रहे हैं कि उन्होंने बच्ची को बस में बैठा दिया था तो बैठा दिया होगा, वो झूठ नहीं बोले। मतलब बशीर झूठ बोल रहा है? पता नहीं सर, लेकिन आप ये बशीर बातें थोड़ा मिर्च मसाला लगा कर कहता है। सच बताता हूँ साहब, बच्ची शुरू में जाने को राजी नहीं थी और ना ही उसकी अम्मी राजी थी, मगर बशीर जबरदस्ती कौशर को भेजना चाहता था, और साहब ये तो पार्टी से 15 की जगह 20 चाहता था। मैंने बोला अच्छे लोग हैं, ज्यादा मुंह मत फाड़, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। अच्छा ये कौशर खुश थी अशफाक करीमी के परिवार से? पूरे 8 महीने थी वो उनके घर पर, खुश नहीं होती तो रहते नहीं वहां साहब। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बशीर ऐसे क्यों पेश आ रहा है। अब ये ड्रामा बंद कर, चल बता कहां छुपा है कौशल को, क्या क्या उसके साथ।
तरह चुप रहने से केस खत्म नहीं हो जाता, लंबा चलता है और तकलीफ बढ़ती जाती है। मुंजाल अभी बशीर की बोलती बंद हो गई है। लेकिन सर यास्मीन ने तो एक ही रट लगा रखी है कि कौशल घर आई ही नहीं। मुझे लगता है फैमिली ने लड़की को कहीं छुपाया या गायब करवाया और अशफाक करीमी से पैसे हटने का प्लान था इनका। मैंने कौशल की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर दी है। तुम एक काम करो, इस बशीर के पीछे दो आदमी लगा, ये हमारी नजर के बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है साले ने ही कुछ किया है। सर मुझे लगता है इस बशीर ने कौसर को कहीं और काम पे लगा दिया होगा। लेकिन तुम तो अच्छे पैसे दे रहे थे। सर अच्छे पैसे भी एक हद तक ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद और ज्यादा पैसे चाहिए होते। लालच का समंदर बहुत गहरा होता है सर। तुम्हें क्या लगता है ये बशीर बच्चे को बेच सकता है एक साथ बड़ी रकम के लिए? सर मैं वहां तक तो नहीं सोचूंगा, पर इंसान को कोई भरोसा नहीं। पर सर बात यह है कि बच्ची बहुत प्यारी थी सर, हमारे साथ बहुत घुल मिल गई, पर ये बशीर मुझे पहले दिन से कुछ ठीक नहीं लगा था। पर हमारे को बेटी से मतलब था इसलिए हमने माइंड नहीं किया। हमें भी लगता है कि कौसर के गायब होने में बशीर शामिल है, हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छूटेगी। हमने रियाजपुर पुलिस को बोल दिया, बशीर पर कड़ी नजर रखे। सब क्यों कह रहे कि 4 जून को कौसर यहाँ आई थी, और अगर आई थी तो तुम उसे कहाँ ले गए? बशीर मेरी कौसर कहाँ है, क्या किया तुमने उसके साथ? मैं कब से कह रहा था आपा को वहाँ मत भेजो। आपा कहाँ है अबू? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? जवाब दो बशीर। बस का कंडक्टर, बस का ड्राइवर, सब ने अशफाक और उसके साले कासिम को 3 जून की रात को कौसर को बस में बिठाते हुए देखा था। बस के कंडक्टर ने अगली सुबह को रियाजपुर में कौसर को अपने पिता के गले मिलते हुए भी देखा था। कासिम ने पुलिस को टिकट की फोटोकॉपी पेश की थी। लतीफ अब्बासी वो एजेंट जिसने अशफाक और बशीर को मिलवाया था कौसर को लेकर, वो भी अशफाक के स्टेटमेंट का समर्थन कर रहा था और बशीर पर शक। क्या यह मुमकिन है कि एक सगे बाप ने ही अपनी बेटी को गायब करवा दिया था या फिर उसके साथ कुछ कर दिया था? अगर ऐसा था तो क्यों? अब देखना बाकी था कि कौसर का सच सामने कैसे आएगा, और इस इंतजार में केस ने लिया एक और जबरदस्त मोड़। हेलो, हाँ मौलवी साहब बताइए। कल्पना जी, यहाँ रियाजपुर का एक मसला है जिसका ताल्लुक आपके जोधपुर से। बताइए क्या मसला है। एक बच्ची है यहाँ की जो वहाँ जोधपुर में घर का काम करती है। अच्छा, और? कल्पना जी वो बच्ची गुमशुदा है। अब मौलवी साहब आप जरा मुझे डिटेल में बताएंगे प्लीज। कल्पना जी पहले आप बैठिए तो सही। मुझे बैठना नहीं है त्रिवेदी जी, मुझे सिर्फ ये जानना है कि माइनर कौसर अंसारी के मिसिंग केस का स्टेटस क्या है। स्टेटस क्या होगा कल्पना जी? हमने कौसर की तस्वीर हर जगह भेजी थी, गुमशुदा हुई थी और रियाजपुर में, हमने वहां के थाने में भी इंफॉर्मेशन दे दी थी, और रियाजपुर पुलिस आपके कहने पर उस बशीर को हर दूसरे दिन पुलिस स्टेशन बुलाकर हैरेस कर रही है। तो आप ही बताइए कल्पना जी हम क्या करें? कौसर के फादर बशीर का ये कहना है कि अशफाक और उसकी फैमिली झूठ बोल गई, जबकि सारे सबूत ये कहते हैं कि कौसर रियाजपुर पहुंची थी, और गवाह हैं जिन्होंने बशीर को रियाजपुर बस स्टैंड में देखा था कौसर को रिसीव करते हुए। अब आप ये कह रहे हैं कि बशीर की पत्नी यास्मीन ने आप लोगों के पास शिकायत की, तो सबसे पहले जाकर आप यास्मीन से कहिए कि वो अपने पति बशीर से पूछे कि कौसर कहाँ है, क्योंकि बशीर ही वो अकेला आदमी जो ये बता सकता है कि कौसर कहाँ गायब है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा। मैडम जी मैं पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ
मेरे शौहर झूठ नहीं बोल सकते, चाहे वो कितने भी सदमे में क्यों ना हो। देखो यास्मीन, अभी तक के सारे गवाह और सबूत उसके खिलाफ ही, और तो और तुम्हारे गांव का वो एजेंट लतीफ अब्बासी, उसने कहा है कि अशफाक ने बच्ची को बस में बिठाया और उसे तुरंत फोन किया। मैडम जी, मुझे नहीं मालूम किसने क्या कहा, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। मैडम जी, आपके हाथ जोड़ती हूँ, कुछ कीजिए उसे ढूंढने के लिए। ठीक है, मैं समझ गई। देखो, मैं कोई वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ बड़े अफसरों को पहचानती हूँ, देखो क्या हो सकता है। सर, लड़की सिर्फ 12 साल की है, उसकी माँ की हालत बहुत खराब है, काफी लो इनकम ग्रुप है। अगर इस लड़की का फादर इस केस में इन्वॉल्व भी है, फिर भी हमें लड़की को तो ढूंढना ही होगा ना। और इंस्पेक्टर त्रिवेदी, उन्होंने तो बस बशीर के पीछे एक आदमी लगा दिया और बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे हुए, और पता चला कि वहां लड़की ट्रैफिक हो। ओके, मुझे हैंडल करने दो। सर प्लीज, थोड़ा जल्दी, लड़की को गायब हुए ऑलरेडी काफी दिन हो चुके हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कल्पना जी, वैसे मैं भी नहीं चाहूंगा कि पुरानी टीम इस केस की तहकीकात करे। मैं एक नए ऑफिसर का अपॉइंट कर रहा हूँ इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। गुड मॉर्निंग सर। 12 साल की माइनर लड़की है राजपूत, ऑलरेडी काफी टाइम निकल चुका है। अभी लग जाता हूँ सर। इस केस को टॉप प्रायोरिटी दो। समझ गया सर। जय सर। कल्पना, ताज्जुब की बात यह है कि बच्ची अभी तक घर नहीं पहुंची, पर बच्ची कहाँ है किसी को कुछ पता ही नहीं। जी हाँ सर, इस बच्ची कौसर की माँ भी बहुत परेशान है। इस कौसर के पिता बशीर इस केस में मुख्य संदिग्ध है, ये तो आपको दोनों लोकल थानों से पता करना होगा कि अगर बशीर ने कौसर को गायब किया है तो उन लोगों ने बशीर के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। भैरवी, अशफाक को यहाँ बुलाओ। ओके सर। सर, इस बच्ची को जल्दी ढूंढना होगा, ये सिर्फ 12 साल की। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अशफाक ने 12 साल की बच्ची को अकेले कैसे छोड़ दिया, और वो भी ओवरनाइट ट्रिप से। मैम, आप 10 बार मुझे बुलाएंगे ना, मैं 11 बार आपके पास आऊंगा। मेरे लिए उस बच्ची का मिलना बहुत जरूरी है। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस वक्त कौसर के बाप बशीर को लॉकअप में होना चाहिए, क्योंकि उसी ने कुछ किया है। मैम, उसे तो हम आड़े हाथों लेंगे ही, आप यहाँ आ जाइए, हमें आपसे ही बात करनी है। जी। बशीर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारी बीवी मौलवी के पास गई और उन्होंने जोधपुर की किसी संस्था से बात की है? पुरानी पुलिस टीम को हटाकर अब ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया? ये मसला उठाकर बशीर, तुमने खुद अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है, भुगतो अब। मंजाल, इससे पहले कि बशीर कहीं फरार होने की कोशिश करे, अपने आदमी भेजकर उठवाओ उसे। एक अरसे से हमारे आदमी ऑलरेडी उसे ट्रैक कर रहे हैं, वो तो फरार होने से रहा सर। भैरवी, मैंने बशीर को बहुत तोड़ा अपनी कस्टडी में, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला, बंदा ढीठ निकला। मैंने उसे जाने दिया और रियासपुर थाने को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि वहां की पुलिस टीम इस बशीर पर कड़ी नजर रख सकती थी और यह भी पता लगा सकती थी कि कौसर को उसने कहां रखा। यह भी मुमकिन है कि शायद उसने कौसर को कहीं और काम पे लगा दिया या फिर बेच दिया। एक बात और जो हमें पता चली वो ये कि कौसर की माँ यासमीन नहीं चाहती थी कि कौसर अशफाक के घर काम पे जाए। मैं कौसर को नहीं भेजूंगी। और बच्ची खुद भी वहां जाना नहीं चाहती थी। फिर भी सर, राजपूत सर और मुझे, हम दोनों को यही लग रहा है कि आपको थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी ये पता लगाने की कहीं बशीर ने खुद अपनी बेटी कौसर को कहीं बेच तो नहीं दिया होगा, और इधर अशफाक से भी पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये मुमकिन है। मुझे तो ये भी लगता है कि बशीर की बीवी यास्मीन हम लोग से कुछ छुपा रही है। एनीवे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द कौसर को ढूंढ निकालें। लतीफ भाई, अगर आपको लगता है इन सब में मैं शामिल हूँ तो आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है।
मुझे फख्र और खुशी है कि मेरी बीबी ने यह मसला उठाया और आगे तक ले जा रही है। गरीब ही तो क्या हुआ, बच्चा तो बच्चा होता है, सबसे कीमती। क्या पुलिस टीम बदलने से कौसर की तकदीर बदलने वाली थी? क्या उसे ढूंढ लिया जाता? क्या कौसर उस जगह मिलती जहां उसे उसके पिता बशीर ने ही भेजा था उसकी मां को बिना बताए? ये कोई पहली बार नहीं था कि गरीब बाप ने अपनी बच्ची को जोखिम में डाल दिया था। अपने घर से दूर उसे किसी और के घर में काम पर लगाकर मालिकों से पैसा ऐंठने की कोशिश की थी। और साथ ही यह भी कोई पहली बार नहीं हो रहा था कि अमीर परिवार के लोगों ने अपने घर पर काम के लिए रखे गए एक बाल मजदूर के बारे में पुलिस को झूठ बोला हो, उन्हें गुमराह करने की कोशिश की हो। पहली इन्वेस्टिगेशन टीम के पास इस बात के ठोस सबूत थे कि कौसर रियासपुर पहुंची थी। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या उस टिकट की फोटोकॉपी और बस कर्मचारियों के बयान में खोट हो सकती है? हो सकता है कि कंडक्टर और ड्राइवर ने ठीक से ध्यान न रखा हो और बच्ची रियासपुर की जगह किसी और ही स्टॉप पर उतर गई हो, कहीं और ही पहुंच गई हो, या फिर उसे कहीं और पहुंचा दिया गया। या फिर कुछ ऐसा हुआ था कौसर के साथ जो इस केस से जुड़े सभी लोगों की कल्पना से भी बाहर था। नई पुलिस टीम ने इस केस को क्रैक किया, उन्होंने पुरानी इन्वेस्टिगेशन के लूपहोल्स ढूंढ निकाले और इस केस की सच्चाई तक पहुंचे। कैसे पहुंचे, क्या रहस्य था कौसर का और कौसर कहां और किस हाल में थी, ये हम देखेंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.